सुस्त रवैये के चलते अपराधी बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकार तक भी ऐसे तत्वों की शिकार हो रहे हैं। मामला थाना जवा के गांव मुजफ्फरा का है, जहां रिंकू शर्मा नामक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार रिंकू शर्मा अपने घर से खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर चाकू एवं लोहे की रॉड से हमला कर दिया और जान से मारने का प्रयास किया। शोर सुनकर गांव के कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों से रिंकू शर्मा को छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल रिंकू शर्मा ने तत्काल 112 पर सूचना दी तो पुलिस रिंकू शर्मा को थाना जवा लेकर आई और उपचार के लिए मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया। आपको बता दें कि सूर्यकांत पिता नथु सिंह पहले भी शर्मा पर जानलेवा हमला कर चुका है। इस पर थाने में पहले भी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब भी हमला करने वाले लोग पूरी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। मैं गांव मुजफ्फरा में रहता हूं, जो जमा क्षेत्र के गांव में आता है। आप पेशे से कौन है? मैं पेशे से पत्रकार हूं, पवन विक पेपर से, भत्र से जो प्रकाशित है। क्या मामला हुआ है? मामला ये था, कुछ एक सूर्यकांत नाम का लड़का जो काफी समय से मेरे साथ मारने के लिए कोशिश किया, मेरे घर पर भी कई बार उसने हमला किया है। मैंने पुलिस को भी सूचित किया था, तहरीर भी दी थी थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कुछ उसने मेरे नंबर पर कॉल किया कि कुछ काम है। मैंने उसके फादर से शिकायत की कि मेरे पास ये कॉल कर रहा है, इसको समझा दो। तो उसके फादर और वो दोनों तीनों लड़के थे, वो मेरे ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया, चाकुओं से मेरे चोट भी आई है। कई बार उनको बोला भी था पुलिस से भी, लेकिन कोई वो नहीं हो रही है कार्रवाई अभी तक। आपका कोई पुराना विवाद चल रहा है? मेरा कोई पुराना विवाद नहीं था। तो फिर उसके इसने इस तरह की हरकत क्यों करी? पता नहीं किस बात से चिढ़ा हुआ है मेरे से, उसकी पूरी फैमिली मेरे को मारने के लिए। अभी कितने लोगों ने मारा था? मेरे को 5 लोगों ने मिलकर मारा, उसके दोनों भाई, उनकी लड़की और दोनों बेटे थे। किस चीज से मारा है? स्टील वगैरह थी और चाकू से मारा, हाथों में चाकू के निशान है। मारने की पूरी होती कि आप तुझे छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। फिर मैंने 100 नंबर को फोन किया, वहाँ पे पुलिस पहुंची। ये वारदात आपके साथ घर पर हुई थी या घर के बाहर? घर से बाहर, मैं रास्ते में अपने खेतों पे जा रहा था, तो रास्ते पीछे से चुपट के उन्होंने पीछे से हमला किया मेरे। कहाँ का मामला है? ये गांव का ही, मुजफ्फरा गांव का मामला है। थाना कौन सा लगता है? थाना जमा लगता है। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी? मैंने कई बार पुलिस वाला तहरीर भी दी थी, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। बोल देते हैं अब कोई नहीं होगा, जाते हैं आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करके आए? मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी कहाँ हैं आप? मैं अलीगढ़ आया हूँ, मलखान सिंह हॉस्पिटल में मेडिकल। ठीक, ये बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम विजय कुमार। कहाँ रहते? मुजफ्फरा गाँव। ये क्या घटना हो गई थी, क्या है? इसको मार पीट रहे थे 5-6 लोग। मैं गांव से, गांव में जैसे गांव से भेज से जा रहा था, तो देखा इसको 4-5 लोग पीट रहे थे, तो मैंने इसको बचाया। किसको मार रहे थे? रिंकू शर्मा को। तो कौन सा गाँव है, क्या है? मुजफ्फरा गाँव। कितने लोग होंगे जो रिंकू मार रहे थे? 5-7 लोग थे, चुपके पड़े थे इसको मार पीट में। क्या चीज़ थी यहाँ? अब इतना तो नहीं देखा मैंने, पर इसको बचाने में नहीं देख पाया कि क्या चीज थी, किससे मार रहे थे। पर चिल्लाने विल्लाने से वो भाग गए? भाग गए वो। अभी आप इनको कहाँ लेकर आए? इनको यहाँ मलखान सिंह हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार तिवारी।